Assalamualaikum, very good afternoon my beautiful ladies and my YouTube family and my Facebook family. क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी के हर खूबसूरत से दिन को एंजॉय कर रहे होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मजे में हैं. और जी आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही जबरदस्त किस्म की झटपट बनने वाला सैलड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके. मैक्रोनी एंड वेजिटेबल सैलड है जो कि घर घर में सब्जियां मैसर होती हैं और नहीं तो बंदा ला भी सकता है. बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत हेल्थी सैलड है. ओके जी, अब हम चलते हैं झटपट सैलड की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने लिया 1.5 कप मैक्रोनी, उसको बॉयल किया तो वो तकरीबन 2 कप बन गई. मिक्स मैक्रोनी कोई भी शेप की ले सकते हैं, मैंने 2-3 शेप की ले ली. ठीक है, अब हम इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें जाएगा जैतून, ये चॉप्ड जैतून है, चॉप्ड ऑलिव्स है. आप ग्रीन भी ले लें, ब्लैक ले लें. मैंने ब्लैक लिए हैं, ब्लैक तकरीबन ये 2-3 टेबलस्पून है, ये गए इसमें. अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च जो कि 2 टेबलस्पून है. अब ये येलो शिमला मिर्च है, ये भी 2 टेबलस्पून है. अब ये जो ऑरेंज है शिमला मिर्च, ये भी 2 टेबलस्पून है. वो पीली थी और ये मल्टे कलर की है ऑरेंज. एंड दिस इज रेड वन शिमला मिर्च. अगर किसी के पास ये मिर्चें नहीं हैं तो वो जस्ट टमाटर, ऑनियन और शिमला मिर्च जो ग्रीन होती है उसी से भी काम चला सकते हैं. अब हम इसमें डालेंगे टमेटो, वो भी 4 टेबलस्पून. ऑनियन डालेंगे, ये रेड ऑनियन है सैलड वाले, इसलिए नहीं डाले दूसरे ऑनियन, वाइट ऑनियन, क्योंकि बच्चे जो है वो किड्स दे डोंट लाइक इट, वो बच्चे पसंद नहीं करते. इसलिए मैंने ये जो है ना, ये भी 4 टेबलस्पून किया. अगर किसी का दिल करता है डालें, जिसका दिल करता है नहीं डालें. ठीक है जी, ये भी हो गया. अब हम इसकी बनाएंगे ड्रेसिंग, वी आर गोइंग टू मेक ड्रेसिंग, क्योंकि बाजार से भी मिलती है मगर हर बंदे के पास नहीं होती. सो वी गोइंग टू मेक आवर सेल्फ. ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं साइड पे, तो इसकी हम बनाते हैं ड्रेसिंग. चलें जी, उसके लिए हमें चाहिए मस्टर्ड, कोई भी हो जाए. मेरे पास ये हनी मस्टर्ड था, दूसरा थोड़ा सा स्पाइसी था. हमें इसमें स्पाइसी नहीं चाहिए, हमें माइल्ड चाहिए. जिसके पास वो रेगुलर वाला है वो रेगुलर डाल के साथ थोड़ी सी उस पर हनी हम ऐड कर लेंगे, मगर क्योंकि ये ऑलरेडी हनी वाला है इसमें हम इसलिए हनी ऐड नहीं करेंगे. ये मैंने जस्ट 1 टेबलस्पून लिया है. ठीक है जी, इसको हम करते हैं साइड पे. और अब हम इसमें डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल. ये तकरीबन 2-3 टेबलस्पून डालें, या ज़्यादा डालें कम डालें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हेल्थी है तो इससे इट्स ओके. ये मैंने डाल दिया. और साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, ये चला गया. और साथ हम इसमें डालने वाले हैं काली मिर्ची जो कि मैंने इसमें क्रश करके रखी हुई है, ये गई. और साथ ही हम इसमें डालेंगे पार्सली, जो फ्लेक्स होते हैं वो डालेंगे. वो मैं उसमें डालना भूल गई थी सैलड में, तो ये वो मैं इसमें ऐड कर लूंगी, एक की बात है. अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स आपके सामने. तो इसकी हम बनाएंगे, देखें कैसे हमारी ड्रेसिंग रेडी 1 सेकंड में हो गई. आवर ड्रेसिंग इज रेडी, जबरदस्त किस्म की. अब हम इसको साइड पर डालेंगे. इस तरह की बहुत सारी जो जितनी भी बाजार में मिलती हैं, इंशाल्लाह एक एक करके वन बाय वन वी गोना मेक इट फ्रंट ऑफ यू. ये हो गया जी. अब जो लास्ट चीज़ है वो है चीज़. ये मैंने ली है गोट चीज़ ली है. आपके पास कोई भी चीज़ है डाल लें, नहीं है तो नहीं डालें, मगर मेरे पास है तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ. चलें जी, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चीज़ जो कि आपके सामने है. इस मैंने हल्का हल्का सा, बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसमें फैट वैट कोई नहीं होता, डोंट वरी अबाउट दैट.
जो डाइट करने वाली बच्चियां हैं वो बेधड़क होके खा सकती हैं, इवन ना भी डाल दो होके, मगर डाल लेंगे तो बच्चे सब खुश होके खा ले देंगे। ये हमने डाल दी चीज, ये तो आप वैसे ही पकड़ के जितनी मर्जी खा लें आपको मजा आता है। इसको हम करेंगे अब मिक्स, मिक्स एंड सैलड आपका रेडी। देखें 5 मिनट भी नहीं लगे तो सैलड आपका हेल्थी वर्जन रेडी। बच्चे भी खुश, बच्चे की मम्मी भी खुश, एवरीवन इज हैप्पी। सो यू कैन हैव ए विद अ स्लाइस ऑफ चिकन और टूना फिश, एनीथिंग जिसके साथ बच्चे भी खुश हो जाए, उनका लंच भी हो जाए और उनका स्नैक भी हो जाए। तो ये हमारा सब कुछ हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए केजे को दुआ में याद रखें, कुकिंग कॉर्नर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक कीजिए, और दुआओं में ज़रूर याद रखें एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स के जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए केजे को इजाज़त दीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह।